फ्रेंड्स, वेलकम टू AIEL। मैं हूं प्रदीप और आज हम इस वीडियो में अनसीन पैसेज पर बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारी अनसीन पैसेज पर सेकंड वीडियो है और हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि हम अनसीन पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वो थी स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो थी। इस वीडियो में हम एक पैसेज लेने वाले हैं और उस पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा अनसीन पैसेज। अगर आपने अनसीन पैसेज पर मेरी पहली वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। जी हाँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमें पैसेज को पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए और वो क्यों पढ़ने चाहिए वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और देखते हैं उससे होता क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेप ऑफ द लॉक फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712 वॉज आ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है पब्लिश्ड, तो पब्लिश से पता चलता है कि ये जो द रेप ऑफ द लॉक है ये 101% अ पीस ऑफ राइटिंग होगी। दैट मीन्स ये कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है, कोई प्ले या नॉवल या कुछ ना कुछ तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1712 के अंदर ये जो रेप ऑफ द लॉक है, जो ये पीस ऑफ राइटिंग है, ये पब्लिश हुई। तो इसे हम कहते क्या हैं, तो वॉज आ ये क्या था। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है ये MCQ से है, इसलिए हमारे पास चार ऑप्शन हैं, मॉक हीरोइक एपिक, ओड, बैलेड और सोनेट। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ये जो द रेप ऑफ द लॉक है ये क्या है, ये तो हमें पता है कि ये एक पीस ऑफ राइटिंग है, लेकिन ये जो हमारे पास चार ऑप्शन हैं इनमें से ये एक है, यानी कि इनमें से कुछ ना कुछ तो है, इसका हमें पता लगाना होगा। इससे हमें ये समझ में आया कि हम जो पैसेज पढ़ने वाले हैं वो रेप ऑफ द लॉक पे बेस्ड होगा, जो कि एक पीस ऑफ राइटिंग है और जो कि 1712 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर टू है, राइट द नेम दैट इज सुडोनेम फॉर लॉर्ड पीटर। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आपको वो नाम लिखना है, राइट द नेम, आपको वो नाम लिखना है दैट इज द सुडोनिम फॉर लॉर्ड पीटर, जो कि लॉर्ड पीटर के लिए सुडोनिम है। अगर आपको नहीं पता कि सुडोनिम का मतलब क्या होता है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी वर्ड को लेके परेशानी होती है तो आप उस वर्ड को उसी तरीके से प्रोनाउंस करें, आप उस वर्ड की हिंदी निकालने की कोशिश ना करें, आप बिना हिंदी निकाले उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको शायद उसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस वर्ड को ऐसे ही रखते हैं, इसको बोलते हैं सुडोनिम, और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हमें वो नाम बताना है जो कि लॉर्ड पीटर के लिए सुडोनिम है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू था और इसमें हमारे ऑप्शन हैं पॉप, रॉबर्ट, बैरन और शॉक। और हमें इससे ये भी समझ में आया कि पॉप, रॉबर्ट, बैरन, शॉक ये कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम अपने पैसेज में मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हु आस्क बेलिंडा टू पैसिफाई हर एंगर। यहाँ पे लिखा है कि बेलिंडा को कौन कहता है कि वो अपने एंगर को पैसिफाई करे। मान लीजिए हमें पैसिफाई का मतलब नहीं पता, तो हम इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, बेलिंडा को किसने उसके एंगर को पैसिफाई करने के लिए कहा था। यहाँ पे हमें अभी भी नहीं पता चला कि पैसिफाई का मतलब क्या होता है, लेकिन हमें ये पता है कि कोई बेलिंडा को उसके एंगर को पैसिफाई करने के लिए कहता है। फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास ऑप्शन है एरियल, क्लारिसा और सिल्प और बैरन। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, दिस पोएम एक्सपोजेज डैश ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। ये जो पोएम है ये एक्सपोज करती है 18th सेंचुरी सोसाइटी के किसके, यानी कि ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको फिल करना है। यहाँ पे ऑप्शन है होलोनेस, पेटीनेस, वैल्यूज और ग्रैंडियर। तो इनमें से हमारा कोई आंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो चार क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो थे MCQ से, और ये जो क्वेश्चन है इनका हमें डिटेल मैनर में आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ पॉप ट्राई टू डिपिक्ट इन हिज मॉक हीरोइक पोएम द रेप ऑफ द लॉक। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि पॉप ने अपने मॉक हीरोइक पोएम द रेप ऑफ द लॉक में क्या दिखाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन के अंदर ही अपना आंसर मिल गया है। जैसा कि इसमें पूछा गया था पहले क्वेश्चन में द रेप ऑफ द लॉक क्या है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन थे, तो वहाँ पे मॉक हीरोइक पोएम भी था और इस क्वेश्चन के अंदर भी लिखा है मॉक हीरोइक पोएम। तो आप ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन से भी आपका आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे ये है कि इस पोएम के अंदर जो पॉप है, पॉप ने क्या समझाने की कोशिश की है। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि जो इसके पोएट हैं वो है पॉप। व्हाट डज बेलिंडा ड्रीम ऑफ, बेलिंडा किसका सपना देखती है, है इससे ये समझ में आता है कि वो पैसेज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेलिंडा के बारे में है और उसके सपने के बारे में भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एट अ सोशल गैदरिंग व्हाट हैपेंस विद बेलिंडा, सोशल गैदरिंग में बेलिंडा के साथ क्या होता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एट है, व्हाट डज पॉप अश्योर बेलिंडा एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के एंड में जो पॉप है वो बेलिंडा को क्या अश्योर करते हैं। जो अब हम पैसेज पढ़ने वाले हैं वो एक पोएम के बारे में है और उस पोएम का जो नाम है वो है द रेप ऑफ द लॉक।
और मुझे ये समझ में आया है कि जो उसके राइटर हैं वो पॉप हैं और ये बेलिंडा के बारे में है, बेलिंडा के साथ कुछ गलत होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इन क्वेश्चन से मिली है, और हालांकि मैं कुछ नहीं जानता, अब जो मेरा माइंड है वो उन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने पैसेज की और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पैसेज, द मॉक हीरोइक एपिक दैट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1712 विद 2 कैंटोज एंड लेटर एक्सपेंडेड इन टू 5 कैंटोज इन 1714 वॉज द रेप ऑफ द लॉक। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि मॉक हीरोइक एपिक जो कि 1712 में 2 कैंटोज के साथ पब्लिश हुआ था, और बाद में दैट मीन्स आगे जाके वो 1714 के अंदर 5 कैंटोज में एक्सपेंडेड हो गया था, और उस एपिक का नाम था द रेप ऑफ द लॉक। फ्रेंड्स, हमने अभी तक इतना पढ़ा है और हमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, जिसमें पूछा गया था कि जो द रेप ऑफ द लॉक है वो क्या है। तो यहाँ पे लिखा है मॉक हीरोइक एपिक, तो जो रेप ऑफ द लॉक है वो मॉक हीरोइक एपिक है। फ्रेंड्स, आगे लिखा है इट वॉज डेडिकेटेड टू जॉन, ये जॉन को डेडिकेटेड थी। इट वॉज बेस्ड ऑन लॉर्ड पीटर्स कटिंग ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर ऑफ अरबेला। इसका मतलब ये है कि ये जो पोएम थी ये बेस्ड थी लॉर्ड पीटर पर, जिन्होंने अरबेला के बाल काटे थे। फ्रेंड्स, आगे इन पॉप्स पोएम, पॉप की पोएम में बेलिंडा इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल अरबेला। ये जो बेलिंडा है ये हिस्टोरिकल जो अरबेला है उसका कैरेक्टर प्ले कर रही है, उस पर आधारित कैरेक्टर है बेलिंडा। एंड बैरन इज द सुडोनिम फॉर द हिस्टोरिकल रॉबर्ट लॉर्ड पीटर, और जो बैरन है वो हिस्टोरिकल रॉबर्ट लॉर्ड पीटर का सुडोनिम है। और ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया था, तो हम कह सकते हैं कि जो बैरन है वो रॉबर्ट लॉर्ड पीटर का सुडोनिम है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सुडोनिम है वो अनरियल नेम है, यानी कि जो बैरन है वो रॉबर्ट लॉर्ड पीटर का ही कैरेक्टर है। द एक्शन ऑफ द पोएम बिगिंस विद द राइजिंग सन, जो पोएम की शुरुआत होती है वो राइजिंग सन के साथ स्टार्ट होती है, अवेकनिंग द रेजिडेंट्स ऑफ अ वेल्दी हाउस होल्ड। इसका मतलब ये कि जो उगता हुआ सन है वो जो वेल्दी हाउस होल्ड है उसके जो रेजिडेंट्स हैं, उसके जो निवासी हैं, उनको वो जगाता है। दो एवरी वन इंक्लूडिंग लैप डॉग्स हैज रिजन, इसका मतलब ये है कि हालांकि हर कोई, यानी उनमें लैप डॉग्स भी हैं, सबको मिलाकर सब उठ चुके हैं, बेलिंडा इज स्लीपिंग, जो बेलिंडा वो सोती रहती है। शी ड्रीम्स ऑफ अ हैंडसम यूथ, और वो एक हैंडसम यूथ का सपना देखती है, हु इन्फॉर्म्स हर, जो उसे ये इन्फॉर्म करता है दैट शी इज़ प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड है, उसकी रक्षा की जा रही है बाय अ थाउजेंड ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर स्प्रिट। और उसकी जो रक्षा की जा रही है वो रक्षा की जा रही है थाउजेंड ब्राइट इनहेबिटेंट, मतलब होता है रहने वाली या निवासी। तो जो एयर स्पिरिट्स हैं, एयर स्पिरिट्स के जो हजारों ब्राइट इनहेबिटेंट्स हैं, उनके द्वारा बेलिंडा की रक्षा की जा रही है। आगे है बेलिंडाज गार्जियन सिल्प इज एरियल, जो बेलिंडा की जो गार्जियन सिल्प है वो है एरियल। एंड हर लैप डॉग इज नेम्ड एज शॉक, और उसका जो लैप डॉग है, जो उसका पपी है, उसका नाम है शॉक। आगे है द पोएम फ्रॉम द बिगिनिंग एक्वेंट्स अस विद द आइडलनेस लेट राइजिंग एंड फोननेस फॉर डोमेस्टिक पेट्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़। तो इस पोएम के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ थी, जो शाही परिवार की जो औरतें थी, उनका पेट्स के लिए कितना फोननेस था, मतलब कितना लगाव था, और उनका आइडलनेस भी दिखाया गया है। फिर आगे लिखा है एट अ सोशल गैदरिंग अटेंडेड बाय मैनी यंग एंड वेल्दी पीपल वेयर दे प्ले कार्ड्स ओवर कॉफी, द बैरन टेक्स अप अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड कट्स ऑफ अ लॉक ऑफ बेलिंडा से हेयर। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है सोशल गैदरिंग होती है जिससे बहुत से यंग और वेल्दी पीपल अटेंड करते हैं, जहाँ पे वो कॉफ़ी पीते हुए कार्ड्स खेलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बैरन है वो कैंची उठाता है और जो बेलिंडा बेलिंडा के बाल काट देता है। बेलिंडा फ्लाइज इन रेज, जो बेलिंडा है वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। क्लारसा हु हैज़ एडिड द बैरन इन इस क्राइम, और वो क्लारसा जिसने बैरन को हेल्प किया है उस क्राइम में, अर्जिस बेलिंडा टू ड्रॉप हर एंगर इन फेवर ऑफ गुड सेंस, और वो कहती है कि बेलिंडा से कि वो अपना गुस्सा उतार दे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, जिसमें कहा गया था कि कौन होता है जो कि बेलिंडा को उसके एंगर को पेसिफाई करने के लिए कहता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर भी हमें यहाँ पे मिल गया। फ्रेंड्स, आगे है अ बैटल देन इंस्यूज बिटवीन द लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज़ और जेंटलमैन के बीच में एक बैटल होता है, विच पॉप कंपेयर्स टू अ बैटल, जिसे पॉप एक बैटल से कंपेयर करता है। आगे है अमिटेस्ट द कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न के बीच द लॉक इज़ लॉस्ट, वो जो लॉक है जो कि बैरन ने काटी होती है वो खो जाती है। और इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द पोएम, पोएम के आखिरी और कंक्लूडिंग पार्ट में पॉप एश्योर्स बेलिंडा
पॉप बेलिंडा को ये अश्योर कराते हैं हर लॉक हैज़ बीन इमोर्टलाइज्ड, उसकी जो लॉक है वो इमोर्टलाइज हो गई है, जिसका मतलब है कि वो अमर हो गई है इन द हेवेंस, किसके अंदर, हेवेंस के अंदर। आगे है, दिस पोएम इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल एंड होलो लाइफ ऑफ द 18th सेंचुरी सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि ये जो कविता है ये 18th सेंचुरी सोसाइटी की जो आर्टिफिशियल और जो हॉलो यानी कि खोखली जो लाइफ है उसका रिफ्लेक्शन है। तो ये हमारा पैराग्राफ ख़त्म होता है। ये मैंने पैराग्राफ छोटा लिया था ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। अगर मैं थोड़ा बड़ा पैराग्राफ देता तो ये वीडियो लंबी हो जाती। फ्रेंड्स, अब हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि जो रेप ऑफ द लॉक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो रेप ऑफ द लॉक है वो 1712 में जो पब्लिश हुई थी वो क्या है। तो हम पढ़ चुके हैं और हमें समझ में आ गया है कि वो मॉक हीरोइक एपिक था, तो इसका आंसर ये है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू, और इस क्वेश्चन नंबर टू में हमें बताना था कि जो लॉर्ड पीटर है उसके लिए कौन सा नाम सुडोनिम है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं। और जो लॉर्ड पीटर के लिए जो सुडोनिम है वो है बैरन। क्वेश्चन नंबर थ्री है, कौन कहता है बेलिंडा को कि वो अपने एंगर को पैसिफाई करे, और ये भी हम देख चुके हैं, ये बात क्लारसा कहती है, तो इसका आंसर हमारा है क्लारसा। आगे है क्वेश्चन नंबर फोर, दिस पोएम एक्सपोजेस डैश ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। 18th सेंचुरी सोसाइटी की किस चीज़ को ये पोएम एक्सपोज करती है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था नीचे होलो लाइफ, तो यहाँ पे होलो लाइफ तो नहीं लिखा लेकिन यहाँ पे लिखा होलोनेस, तो हमारा आंसर है होलोनेस मतलब खोखलापना। वॉट हैज़ पॉप ट्राई टू डिपिक्ट इन हिज मॉक हीरोइक पोएम, अपनी मॉक हीरोइक पोएम में पॉप ने क्या दिखाने की कोशिश की है। तो हम इस पोएम में उसने अपने टाइम की सोसाइटी की जो हॉलोनेस है और जो आर्टिफिशियल लाइफ है उसको दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, द पोएट पॉप हैज़ मॉक्ड हिज सोसाइटी एक्सपोजिंग द हॉलोनेस एंड रिडिकुलसनेस ऑफ द सोसाइटी ही लिव्ड इन। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, वॉट डज बेलिंडा ड्रीम ऑफ, बेलिंडा किसका सपना देखती है। तो इसमें हमें पता चल चुका है कि बेलिंडा किसका सपना देखती है, तो इसके आंसर में हम ये लिख सकते हैं, शी ड्रीम्स ऑफ अ हैंडसम एंड यंग मैन, वो हैंडसम और यंग मैन का सपना देखती है। थर्ड है, एट अ सोशल गैदरिंग व्हाट हैपेंस विद बेलिंडा, बेलिंडा के साथ सोशल गैदरिंग में क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि सोशल गैदरिंग में बेलिंडा के साथ क्या होता है कि जो बैरन है वो उसके लॉक को काट लेता है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि एट अ सोशल गैदरिंग बैरन कट्स ऑफ अ लॉक ऑफ बेलिंडाज हेयर, ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं। आगे, व्हाट डज पॉप अश्योर बेलिंडा एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के एंड में पॉप बेलिंडा को क्या अश्योर कराते हैं। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि पॉप अश्योर्स बेलिंडा, पॉप बेलिंडा को ये अश्योर कराते हैं कि जो उसकी लॉक है वो जो कि खो जाती है वो इमोर्टलाइज हो गई है, यानी कि वो स्वर्ग में चली गई है। तो उसको लिख सकते, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट हर लॉक हैज़ गॉट इमोर्टलाइज इन दी हेवेंस, जो कि हेवेंस में उसकी जो लॉक है वो चली गई है। तो इस तरीके से हम अपने अनसीन पैसेज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से करते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने अनसीन पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये था हमारा अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका, और आशा करता हूँ कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा और आप भी एग्जाम में इसी तरीके से करने वाले हैं और अपना टाइम बचाने वाले हैं और 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।